तो हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और अब हम बात करेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जो रेगुलेट करेंगे या कंट्रोल करेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को। यानी हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स के बारे में जो कंट्रोल कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसको बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, अबाउट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कंट्रोल करेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को, या ऐसे समझ सकते हैं जो रेगुलेट या कंट्रोल कर रहे होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट होते हैं एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि ये मेन हार्मोन है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये बात हमें समझ आती है। और एक बात और हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी कि द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। प्यूबर्टी आती किस लिए है, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों में प्यूबर्टी पे हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और इस हार्मोन की वजह से आती है प्यूबर्टी। सो द मेन कॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। मैं ये कह रहा हूं कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड दिस हार्मोन विल बी द कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो मैंने आपको बताया कि एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड दिस पर्टिकुलर हार्मोन विल बी द कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। क्योंकि ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोहाइपोफिसिस भी बोल सकते हैं, और एडिनोहाइपोफिसिस या एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी को ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट गोनाडोट्रोपिन्स। एक को मैं यहां पे बोल रहा हूं ICSH, स्टैंड्स फॉर इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक्चुअली जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिसको LH बोल रहे हैं, इसको मेल फिजियोलॉजी के कंटेक्स्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ICSH या इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जो है स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टीशियल स्पेस में प्रेजेंट इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडी को, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडिक्स को। तो इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडिक विच आर प्रेजेंट इनसाइड द इंटरस्टीशियल स्पेस, इन द इंटरस्टीशियल स्पेस, इस पे एक्ट करेगा ICSH हार्मोन और इसको स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग बोलेंगे एंड्रोजन्स, और जो मेन एंड्रोजन है इसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, और एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस से एक दूसरा गोनेड्रोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा, एक ट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, या सस्टेंटिकुलर सेल्स पे, और इसको स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एक यहाँ पे रिलीज होगी प्रोटीन जिसको मैं बोल रहा हूँ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होगा, इस हार्मोन को मैं बार बार बताता चला रहा हूं, इसको हम लोग बोलेंगे इनहिबिन, तो दो हार्मोन रिलीज कर रहा है कौन, सर्टोली सेल ऑन द एक्ट ऑफ FSH। तो FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, तो ये दो फैक्टर्स रिलीज करेंगे सर्टोली सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एज द नेम इंडिकेट्स, बाइंड करेगा एंड्रोजन को
इंटरस्टिशियल स्पेस से लेकर के आएगा इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल और स्टार्ट कराएगा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये दोनों हॉर्मोन्स मिलकर के स्टार्ट करा देंगे स्पर्म का प्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी बात तो मैं पहले लेक्चर से करता चला रहा हूं और इस फ्लो चार्ट को मैं करीब करीब 5-6 बार बना चुका हूं। आप इस इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि इससे क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कौन हार्मोन कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहां तो इजी है, हम जब फीमेल फिजियोलॉजी के कंटेक्स्ट में सारी बातें करेंगे तो वहां पे और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहीं से आप समझते चलिए कि हार्मोन्स कौन से कौन सा काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज बिकॉज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी एडेनोफिसिस में हेल्प कर रहा है। एडेनोफिसिस जो है दो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करेंगी ऑन द एक्ट ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक को हम ल्यूटिनाइजिंग बोल रहे हैं, मेल फिजियोलॉजी के कंटेक्स्ट में इसको ICSH बोल रहे हैं, जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी को स्टिमुलेट करेगा, एंड्रोजेनस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराएगा। और दूसरे साइड पे ये एक दूसरा गोनाडोट्रोपिन रिलीज कर रहा है एडेनोफिसिस, कौन सा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम देख रहे हैं एक्ट कर रहा है सर्टुली सेल या सस्टेंटेकुलर सेल पे और रिलीज करा रहा है इससे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एक हार्मोन इनहिबिंग और दूसरा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन को बाइंड करके इंटरस्टिशियल स्पेस से लेकर के आएंगे इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल और वहां पे स्टार्ट करा देंगे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर ऐसा चलता रहा कि एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी आ गई, ह्यूमन मेल की अगर हम बात कर रहे हैं, बॉयज में लगभग 13 से 15 साल के बीच में प्यूबर्टी आ जाती है, मैं आपको बता रहा हूं, तो प्यूबर्टी के बाद तुरंत गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा हाइपोथैलेमस से, एडेनोफिसिस को स्टिमुलेट करेगा, एडेनोफिसिस से ICSH और FSH रिलीज कराएगा, ICSH सर्टोली सेल से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराएंगी और FSH सर्टोली सेल से क्या रिलीज कराएंगे, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ABP और एंड्रोजन जो है ये मिलकर के क्या शुरू करा देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और लगातार एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या आफ्टर द प्यूबर्टी ये काम चलता रहेगा अगर, तो ढेर सारा इकट्ठा स्पर्म क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा और सेमिनिफेरस टिब्यूल या कह सकते हैं टेस्टिस फील्ड हो जाएगी विद द लॉट ऑफ स्पर्म्स। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पर्म का ओवरबर्डन हो जाएगा टेस्टिस पे या फिर कह सकते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल पे। इस बात को ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया कि जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या कह सकते हैं एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ये सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर देंगे। और अगर ये हार्मोनल चेंजेस चलते रहे, जैसे GnRH अगर रिलीज होगा तो ये आगे की सारी कहानी शुरू करा देगा एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और आफ्टर द प्यूबर्टी, तो ढेर सारा स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएगा कहाँ पे, टेस्टिस के अंदर या फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। और अगर ढेर सारे एक्सेस में एक्यूमुलेट हो जाएंगे स्पर्म तो एक एक्स्ट्रा वर्डन हो जाएगा टेस्टिस के ऊपर या फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, तो ये कॉज करेगा इजेकुलेशन। नॉर्मल सी प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं शुरू से ही पहले लेक्चर से कहते चला रहा हूँ कि एजेकुलेशन एक नॉर्मल यूजुअल प्रोसेस है। तो आपको वहाँ ये बात यहाँ पे समझनी है कि इस एक्स्ट्रा वर्डन को हमें कम करना है, कोई ना कोई ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जो एक्स्ट्रा अगर इकट्ठा बहुत सारा स्पर्म प्रोड्यूस हो जा रहा है जो इजेकुलेट नहीं हो पा रहा है उसको हम क्या कर पाए, रोक पाए। तो ध्यान से इस बात को फिर से समझिए, मैंने आपको बताया कि एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस जो है ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टार्ट कर देगी रिलीज करना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगी, ICSH FSH रिलीज कराएगी और ICSH एक्ट करेगा सर्टोलिस, ICSH एक्ट करेगा इंटरस्टिशियल सेल पे, वहां से रिलीज कराएगा एंड्रोजन, FSH एक्ट करेगा सर्टोलिस सेल से वहां पे रिलीज कराएगा ABP और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एंड्रोजन मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे। और अगर ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते रहे स्पेसिफिक अमाउंट में तो ढेर सारे स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल टेस्टिस के अंदर, एक ओवरबर्डन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएंगे ढेर सारे स्पर्म। तो एक मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए, एक दूसरा रास्ता होना चाहिए कि ओवर प्रोडक्शन या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को हम क्या कर सकें, रोक सकें। तो इस बात को बड़े अच्छे से फिर से समझिए, ये जो एंड्रोजन है इस एंड्रोजन का निगेटिव फीडबैक होगा किस पे, इस हाइपोथैलेमस पे भी और इस एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी। मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस पे भी और एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी निगेटिव फीडबैक होगा किसका, एंड्रोजन का। तो ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है, अगर बहुत सारे स्पर्म प्रोडक्शन हो गए, बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस हो गए टेस्टिस और सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, तो ये उल्टा क्या करने लगते हैं, सप्रेस करने लगते हैं किसको, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी एडेनोफिसिस को, कि भाई कम कर दो हार्मोन प्रोडक्शन।
ये जो एंट्रोजन है, अगर एंट्रोजन एंट्रोजन जो है अगर ढेर सारा स्पर्म प्रोड्यूस किया, ढेर सारा स्पर्म प्रोड्यूस करा दिया, ढेर सारे स्पर्म इकट्ठे हो गए हैं इसमें टेस्टिस और सेमिनिफेरस शेड्यूल में, तो यही एंड्रोजन जो स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है, यही एंड्रोजन हाइपोथैलेमस एज वेल एज एडिनोफिसिस को निगेटिव फीडबैक देने लगेगा कि हाइपोथैलेमस भाई तुम जीएनआरएस रोक दो। और अगर जीएनआरएस नहीं रोक दे रहा है हाइपोथैलेमस, या कह सकते हैं कि जीएनआरएस का प्रोडक्शन अभी भी है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को या एडिनोफिसिस को भी बोलता है भाई तुम आईसीएसएच और एफएसएस रोक दो। तो हाइपोथैलेमस से कह रहा है भाई जीएनआरएस को कम करो, जीएनआरएस को कम करो, जीएनआरएस को कम करो। और एडिनोहाइपोफिसिस से या कह सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी को भी ये बता रहा है कि भाई एफएसएच आईसीएसएच कम करो। तो अगर ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन हो गया तो एंड्रोजन हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देगा, जीएनआरएस कम हो जाएगा, आईसीएसएस एफएसएस कम हो जाएगा, और आईसीएसएस कम हो गया तो एंड्रोजन कम हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी, थोड़ा सा रुक जाएगी या फिर धीरे हो जाएगी। या फिर अगर ये एडिनोहाइपोफिसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी को फीडबैक दे रहा है निगेटिव, तो ये दोनों गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होना कम हो जाएंगे, और आईसीएसएस अगर कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, इवेंचुअली स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया स्पर्म्स का इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल या टेस्टिस, तो एंड्रोजन खुद एक निगेटिव फीडबैक देने लगता है हाइपोथैलेमस और एडिनोहाइपोफिसिस को। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस कम कराएगा, जीएनआरएस अगर कम होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को उतना स्टिमुलस नहीं मिलेगा, आईसीएसएस एफएसएस कम होगा, आईसीएसएस कम है तो एंड्रोजन कम होगा, एफएसएस कम है तो एबीपी कम होगा, और अगर एबीपी एंड्रोजन कम है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये एडिनोहाइपोफिसिस को भी निगेटिव फीडबैक दे रहा है कि भाई आईसीएसएच एफएसएस कम करो, और फिर अगर आईसीएसएच एफएसएस कम हो जाएंगे तो आगे की कहानी आप समझ सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस फिर से क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये निगेटिव फीडबैक है एंड्रोजन का किस पे, एंड्रोजन का किस पे निगेटिव फीडबैक है, हाइपोथैलेमस एज वेल एज ऑन एडिनोहाइपोफिसिस। और एक चीज ध्यान से समझिए, ये जो एफएसएच है, ये जो एफएसएच है इसका स्पेसिफिक फंक्शन आप याद रख लीजिए। इतनी बात तो सबको पता होती है, इतनी बेसिक बातें सबको पता होती है, कठिन तरीके से आसान तरीके से जैसे भी याद किया है सबने, सबको पता होती है कि एंड्रोजन खुद स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और निगेटिव फीडबैक भी देने लगता है अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, तो ये बात तो नॉर्मल है सबको पता है। लेकिन एक बड़ी स्पेसिफाइड बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ये जो एफएसएच है इसका काम होता है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है स्पर्म लीनिएज का, स्पर्म प्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, हमने आपको बताया था कि स्पर्म लीनिएज या स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ से होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पर्म लीनिएज या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गई, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट होता है या जब रिडक्शनल डिवीजन होता है, तब बनती हैं दो हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम वन डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो मैंने आपको बताया कि स्पर्म लीनिएज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से शुरू होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक है डिप्लॉयड है, तो इसमें होगी मियोसिस फर्स्ट जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोल रहे हैं, दो बनेंगी हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पर्म लीनिएज और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म लीनिएज की सबसे पहली प्रोसेस है, जो पहला स्टेप है, क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म लीनिएज स्टार्ट कहां से हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। तो इस प्रोसेस को, इस फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पर्म लीनिएज को कंट्रोल करता है एफएसएच। इस बात को बड़े धीरे धीरे बड़े आसानी से बहुत अच्छे से समझिए फिर से। मैंने आपको बताया कि स्पर्म लीनिएज स्टार्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तब जब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, और ये स्टेप ऑफ स्पर्म लीनिएज या स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट स्टेप होगी स्पर्म लीनिएज की, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है स्पर्म लीनिएज, और इस स्टेप को कंट्रोल कर रहा है एफएसएच। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है या मीडिएट करता है कौन से कन्वर्जन को, फर्स्ट स्पर्म लीनिएज कन्वर्जन को, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ध्यान से सुनिए, अगर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया तो मियोसिस फर्स्ट से बन रहा है, और मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड तो होगी ही, यानी यहां पे अब हो जाएगी मियोसिस सेकेंड जिसको स्पर्म डिवीजन बोलेंगे, और यहां पे बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, और स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे अगर तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, स्पर्म्स में, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्टोली सेल की है।
को आप इस चीज को बड़े ध्यान से फिर से समझिए। इस रिएक्शन को हमने आपको बताया कि स्पर्म यूनियन जहां से स्टार्ट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये फर्स्ट स्टेप है स्पर्म लीनिएज स्पर्मेटोजेनेसिस की, और इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, स्टेप को कंट्रोल कर रहा है FSH। लेकिन ये हाफ ऑफ द रिएक्शन है, हाफ ऑफ द प्रोसेस है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के बाद तुरंत मियोसिस सेकेंड हो जाएगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर स्पर्मेटिड्स बन गए हैं तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा किसमें, स्पर्म में। लेकिन स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन स्पर्म में, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को कराता कौन है, सर्टुली सेल या सस्टेंटिकुलर सेल। तो मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होंगी स्पर्म में, और इस कन्वर्जन को कराएगा कौन, इस कन्वर्जन को कराएगा कौन, ये जो सेल्स हैं, और इन सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्टुली सेल। और सर्टुली सेल जो है ये ट्रांसफॉर्म करेगी, मेटामॉर्फाइज करेगी स्पर्मेटिड्स को इनटू द स्पेशलाइज्ड मोटाइल स्पर्म या स्पर्मेटोजोन। तो अगर ध्यान से समझिए, एक बार ये स्टेप हो गई स्पर्म लीनिएज स्पर्मेटिड्स की, यानी कन्वर्जन हो गया किसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो ये कन्वर्जन होगा ही, क्योंकि ये वाला कन्वर्जन जरूर होगा, क्योंकि अगर मियोसिस फर्स्ट हुई है तो मियोसिस सेकेंड जरूर होगी, और मियोसिस सेकेंड हो गई तो स्पर्मेटिड्स बन गए। इस चीज को ध्यान से फिर से धीरे धीरे सुनिए। मैंने आपको बताया कि अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गई, जिसको कंट्रोल कर रहा है FSH, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट कर दिया, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेफिनेटली कन्वर्ट होंगी स्पर्मेटिड्स में, और ढेर सारी स्पर्मेटिड्स इकट्ठी हो जाएंगी, और इस स्पर्मेटिड्स को कन्वर्ट करना है स्पर्म में, करेगा कौन, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल के पास अगर ढेर सारा रॉ मटेरियल है, ढेर सारा स्पर्मेटिड्स है, तो इन सबको कन्वर्ट करना होगा सर्टोली सेल को किसमें, स्पर्म में। तो सर्टोली सेल के पास फिर से एक बैकलॉग हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। तो स्पर्मेटिड इस चीज का तोड़ ले करके चलती है कि भाई अगर हमारे पास खूब ढेर सारे स्पर्मेटिड्स आ जाएंगे, तो दिन भर हमारे पास सिर्फ एक ही काम बचेगा कि स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट करो, थक जाएगी ये। तो ये एक्स्ट्रा वर्डन या ओवर वर्डन या कह सकते हैं बैकलॉग ढेर सारा हो जाएगा किसके पास, सर्टोली सेल के पास। तो सर्टोली सेल ने किया क्या है, एक हार्मोन प्रोड्यूस किया है, और इस हार्मोन को हमने बोला है इनहिबिन। ये इनहिबिन जो है ये नेगेटिव फीडबैक देने लगेगा किसको, FSH को। इस चीज को ध्यान से समझिए, ये नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, FSH को। तो इनहिबिन स्पेसिफिकली किसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, FSH को। क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके पास ढेर सारे स्पर्मेटिक्स हैं, ये नहीं चाहता है कि दिन भर स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में ही कन्वर्ट करता रहे, ये नहीं चाहता है कि इसके पास ओवरबर्डन हो, एक्स्ट्रा बर्डन हो, ये नहीं चाहता है कि इसके पास ढेर सारा बैकलॉग हो। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गई, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पर्म लीनिएज, कन्वर्ट कौन कर रहा है, FSH। तो FSH को ये रोकेगा कि भाई तुम क्या करो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट मत करो, अगर तुम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट करते रहे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में बदलती रहेंगी, और हमारे पास ढेर सारे स्पर्मेटिड्स हो जाएंगी, और हम दिन भर स्पर्मेटिड्स को कन्वर्ट करते बैठे रहेंगे किसमें, स्पर्म में। तो FSH को क्या करेगी, ये सप्रेस करेगी, किसके थ्रू, इस हार्मोन के थ्रू। तो मैंने आपको बताया था कि सर्टोली सेल एक तरफ तो एबीपी रिलीज कर रही है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, दूसरी तरफ ये एक तोड़ लेकर के चल रही है कि अगर एक्स्ट्रा स्पर्म बन गया, ढेर सारे स्पर्मेटिड्स बन गए, तो मैं इनहिबिन के थ्रू इस स्पर्मेटिड्स को बनाने वाले FSH को, इस रिएक्शन को, इस स्टेप को कराने वाले FSH को क्या कर दूंगी, सप्रेस कर दूंगी। तो अगर ढेर सारे स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे तो ढेर सारे स्पर्म बनाने की जरूरत पड़ जाएगी किसको, सर्टोली सेल को। तो सर्टोली सेल ने किया क्या है, इनहिबिन प्रोड्यूस किया है, उस इनहिबिन के थ्रू FSH के प्रोडक्शन या रिलीज को कम कर देगा, और अगर FSH कम हो जाएगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होना कम हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स कम बनेंगे, और आराम से सर्टोली सेल छोटी मोटी या थोड़ी बहुत स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट करेगी, यानी कह सकते हैं कि एडिक्वेट अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे क्या, स्पर्म। तो इस तरीके से इनहिबिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। इनहिबिन क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है FSH को। तो अगेन ये वाला जो फीडबैक है, ये फीडबैक है नेगेटिव फीडबैक, लेकिन ये स्पेसिफाइड है कि नेगेटिव फीडबैक ये देगा किसको, FSH को, या कह सकते हैं नेगेटिव फीडबैक देगा एडिनो हाइपोफिसिस को केवल रिलीज करने, ना रिलीज करने के लिए FSH के लिए। तो आपको समझ आ गया, मैंने आपको बताया कि एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, ये दो गोनेडल ड्रॉप्स रिलीज होंगे, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे एक्ट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक पे, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराएगा, और FSH सर्टोली सेल पे रिलीज एक्ट करेगा, एबीपी रिलीज कराएगा, एबीपी एंड्रोजन को बाइंड करके स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करेगी। ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी तो एंड्रोजन खुद हाइपोथैलेमस और एडिनो हाइपोफिसिस दोनों को क्या देने लगेगा, नेगेटिव फीडबैक देने लगेगा।
FSH को नेगेटिव फीडबैक देगा इनहिबिन। कौन सी प्रोसेस को रोकेगा ये FSH? फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टर्लिनियस, क्योंकि FSH कंट्रोल करता है फर्स्ट स्टेप ऑफ FSH कंट्रोल करता है फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टर्लिनियस या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आखिरी में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए इसको। स्पर्मेटोजेनेसिस के सिर्फ फर्स्ट स्टेप को, स्पर्मलिनियस के सिर्फ फर्स्ट स्टेप को, कौन से स्टेप को? कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये फर्स्ट स्टेप है स्पर्मलिनियस की। इस स्टेप को कंट्रोल करता है FSH, बाकी पूरी की पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करता है एंड्रोजन। इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, धीरे से फिर से मैं बोल रहा हूं आपको। मैंने आपको बताया कि स्पर्म लीनियज स्टार्ट कहां से होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होगा स्पर्मेटिड्स में, स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होंगे किसमें? स्पर्म में, स्पर्मेटोजोन में। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस, ये स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट प्रोसेस है स्पर्म लीनियज की। सिर्फ इस स्टेप को कंट्रोल करेगा FSH, बाकी जितने भी प्रोसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, इन सारी प्रोसेसेस या स्टेप्स को कंट्रोल करेगा एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो है ये पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पर्म लीनियज या स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहा है FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एडेनोफिसिस से प्रोड्यूस होगा तब जब गोनेडोट्रोपिन रिलीज होगा एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, आई होप आपको समझ आया होगा। इसको बार बार आप इस फ्लो चार्ट को रिवाइज करिए। मैं इसको फिर बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट या टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं।